राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति श्री आनंद कुमार सहलाम के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर से प्रातः 10 बजे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा समिति कन्नौज श्री आनंद कुमार सहलाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट पुंजिया बरिया सुश्री मीता पवार जंडेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्रभात फेरी शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर बस स्टैंड चौराहे के समीप वापस शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में रैली का समापन हुआ। प्रभात फेरी रैली का इस दौरान बस स्टैंड पर कैलाश कुंडल पूर्व विधायक के द्वारा उनके समर्थकों की मौजूदगी में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पुलिस थाने के सामने संजय शर्मा व स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्र छात्राएं, नगर परिषद के कर्मचारी, कन्नौज विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अभिभाषकगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नेहरू युवा केंद्र स्पोर्ट्स ग्रुप के सदस्यगण, न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगणों ने भाग लिया। रैली में समाज के सद्भाव, नैतिकता, सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता, साक्षरता, स्वच्छता के नारों की तख्तियां प्रदर्शित कर समाज को जागरूकता एवं देश प्रेम का संदेश दिया गया। कन्याशाला परिसर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुनील भारी, कवि बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा, एडवोकेट सादिक खान, छात्रा शिवानी प्रजापति, छात्रा सलोनी बानीवाल, छात्र वीरेंद्र मालवी, छात्र अमन दुबे के द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा, मध्यस्थता योजना, नशा उन्मूलन, गरीब उन्मूलन, अन्य विषयों पर जन जागरूकता के विचार रखे गए। शिक्षक संतोष बिचोले एवं सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन चित्र पर प्रकाश डालते हुए सुमधुर गीतों के माध्यम से पूरे कार्यक्रम में समा बांधे रखा। सुश्री मीता पवार जांडेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा घरेलू हिंसा पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए जागरूक किया एवं विधि की जानकारी दी गई, जिस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सहभागियों को स्वच्छता की शपथ दी। शिक्षक पुष्पेंद्र राठौर के द्वारा दिलाई गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष विधिक सेवा समिति श्री आनंद कुमार सहलाम ने अपने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक आमजन में विधिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रभात फेरी, वृद्ध विधिक सेवा शिविर, विधिक साक्षरता शिविर, रैली, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा एवं सजग इंसान एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। आमजन को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा तहसील के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विवाद विहीन ग्राम, भ्रूण हत्या, महानिषेध, लैंगिक अपराध, घरेलू हिंसा जैसे बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जागरूकता अभियान चलाते हुए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य लखन सोलंकी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अविनाश सुनानिया, बीईओ गुरुदत्त शर्मा, बीआरसी देवीलाल जाट, प्राचार्य रामबरोस परमार, राजेश तिवारी, एडवोकेट रामप्रसाद यादव, अकरम खान सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ जन मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन के दौरान तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका ने आभार माना। कन्नौज से संवाददाता चंचल भारत। खालसा की तरफ से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन तक कानून के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो और उसी को लेकर आज 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका प्रारंभ प्रभात रैली से किया गया और उसमें सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए जो बालिकाएं थी, जो कि वहाँ उपस्थित सभी लोग थे, उनको जानकारी प्रदान की गई, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाओं से संबंधित जागरूकता के संबंध में बताया गया। और इसी तरह से ये प्रोग्राम पूरे 35 दिन चलने वाला है और प्रत्येक दिन पे एक शेड्यूल फिक्स है जिसमें कि कानून के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि पूरे समाज में जितने भी लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, साथ ही जितने भी लोगों के बीच में ये बात पहुंचेगी, सभी को कानून के रूप में जानकारी, कानून की बेसिक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आज़ादी के अमृत उत्सव 2 अक्टूबर
2021 से 14 नवंबर 2021 के मध्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसका मूल उद्देश्य विधिक साक्षरता तथा लोगों के मध्य समन्वय की भावना को भावना बनाए जाने के आशय से और लोगों के मध्य विधि के संबंध में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं उस भ्रांतियों को दूर करके न्यायाधीश पैरालीगल वॉलंटियर्स एडवोकेट के माध्यम से वहाँ पर शिविर आयोजित कर उन भ्रांतियों को दूर करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इस संबंध में विगत 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के 35 कार्यक्रम आयोजित होने और 35 कार्यक्रमों के में प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें लोगों को सजग करने के आशय से और सभी लोगों को सभी विद्यार्थी अध्यापकगण और इस समाज में प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग प्राप्त करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।